is a device. Next target is a device which operates on the basis of following operation, which operates on the basis of following operation. The circuit diagram of the RTL XOR gate is shown in the following table. देखें यहाँ पर बात को समझें कि किस प्रकार से हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट ए को देखें और इनपुट बी के बारे में बात करें। इनपुट बी की दो सिचुएशन आप ले सकते हैं। पहली सिचुएशन हम इनपुट बी की बात करें, ये लॉजिक जीरो पर हो सकता है, और दूसरी सिचुएशन होगी कि लॉजिक वन पर है। सिचुएशन में होगा बना लिया हमने यस सर लगती। आप देखेंगे कभी भी
संज्ञा को शुरू करेगा। चलिए देखिए, ये तक कह रहा है कि फोटो खींचना है, बनाना है, देखिए यहाँ पर जब आपने बी को जीरो किया, पहली सिचुएशन कंडीशन सिचुएशन यहाँ पर अगर आप करते हैं, यहाँ पर जब बी को आपने जीरो किया तो प्राइम मिनिस्टर टी टू 50 होगा, ठीक है। और ट्रांजिस्टर टी टू यहाँ पर कट ऑफ है, तो अब इस कंडीशन में देखें कि जो ए अप्लाई हो रहा है टी थ्री पर, यहाँ पर टी थ्री का ऑपरेशन अब ए पर डिपेंड करेगा, मतलब कि जो टी थ्री का इनपुट है वो ए होगा जब बी को आपने जीरो किया है। अब वो ए पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि टी टू कट ऑफ है तो यहाँ से ये ग्राफ नहीं कर सकता ग्राउंड पर। अगर ये स्विच ट्रांजिस्टर टी टू एज ए स्विच वर्क कर रहा है, अगर यहाँ पर बी को आपने जीरो कर दिया प्लास्टिक लेबल पर, तो टी टू की जो बेस इंटर जंक्शन है ये कट ऑफ होगी, मतलब कि टी टू ऑफ हो गया। और टी टू ऑफ है तो टी थ्री की फंक्शनिंग डिपेंड करेगी ए पर, ठीक है। ए को अगर आपने अब जीरो किया तो ये कट ऑफ हो जाएगा, और अगर ए को हाई दिया तो ट्रांजिस्टर टी थ्री ऑपरेट कर जाएगा। ट्रांजिस्टर टी थ्री जब ऑपरेट करेगा, मतलब कि सिचुएशन में होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ से जो पोटेंशियल आ रहा है ये ग्राउंड पर ट्रैप करेगा, और ये ट्रांजिस्टर टी फाइव आपका कट ऑफ हो जाएगा। आउटपुट मैक्सिमम, अगर टी फाइव कट ऑफ हुआ तो आउटपुट मैक्सिमम। और अगर ए को आपने जीरो रखा टी थ्री कट ऑफ, तब उस कंडीशन में टी फाइव सिचुएट करेगा यहाँ से, और इस कंडीशन में आउटपुट मिनिमम। मतलब कि जो फुल ऑपरेशन है ये, जब आपने बी को जीरो रखा, इसका मतलब क्या है, बी बार और ए एज इट इज है जो भी, तो बी बार के साथ ए ए बी बार ये ऑपरेशन मिल रहा है। यहाँ से देखिएगा इस बात को, क्योंकि ये जो आपने बूलियन एक्सप्रेशन लिखा है इसको परफॉर्म करवाना है, अब डिपेंड कर रहा है यहाँ पर कि ए बी बार क्या होगा। अब यहाँ पर ए पर डिपेंड करेगा, एक बार जो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं यहाँ पर कि जब बी को आपने बंद कर दिया, जब बी को बंद करेंगे तो इस कंडीशन में अब यहाँ पर देखते हैं कि बी वन होने पर ट्रांजिस्टर बी टू सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ पर जा रहा है ट्रांजिस्टर टी फोर की जब बात करते हैं, तो इस कंडीशन में जब टी टू सेचुरेट करेगा बी के वन होने पर, तो यहाँ पर टी फोर और ये यहाँ पर देखें इसको ए के साथ, कि अब ट्रांजिस्टर टी थ्री जो है जब ये सेचुरेट है तो ए को चाहे जो भी कर दे, ये कभी आपका आना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से ये स्विच आपकी ओपन है, तो जो भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो इस देखने होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अब जब बी वन हो गया तो ए हमेशा बार की पोजीशन में है, जीरो बना रहेगा, मतलब कि टी थ्री पर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं होगा, यही हुआ ना। जबकि बी आपका वन हो गया, टी टू स्विच या ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, तो यहाँ पर अगर नहीं करते हैं तब तो नहीं है, और अगर करते भी हैं पोटेंशियल अप्लाई तो ये इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, टी थ्री कभी भी ऑन नहीं हो सकता जब बी वन। तो इसका मतलब कि जब बी को आपने बी लिया तो ए हमेशा बार बना रहे, दोनों परफॉर्मेंस हो गया ना। सिमिलर कंडीशन होगी वहाँ पर ए के साथ, ए को जीरो करते हैं और बी को देखते हैं, जो आपने यहाँ पर सिचुएशन जीरो और वन की लगाई, अब ये दोनों परफॉर्मेंस मिला है, वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी। ए को आपने जीरो रखा, बी के बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं है, जब ए को जीरो रखेंगे तो टी वन कट ऑफ होगा, और टी वन कट ऑफ है यहाँ पर टी थ्री कट ऑफ है, अब यहाँ पर जो भी अप्लाई करेंगे बी, बी को आप वन करें जीरो करें जो भी करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में टी फोर पर फंक्शन डिपेंड करेगी, आउटपुट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर टी फोर जो है अब वो किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर बी पर, कि अगर बी वन है तो टी फोर ऑन होगा, बी जीरो है तो टी
फाइव ऑन कर जाएगा और टी फोर ऑन है तो टी फाइव ऑफ कर जाएगा और आउटपुट इस पर डिपेंड करेगा। एक्स आर गेट की परफॉर्मेंस क्या है कि जब दोनों इनपुट आपके अपोजिट डिफरेंट हो तब आउटपुट मिलेगा और दोनों सिमिलर हैं तो आउटपुट जीरो है, वो आप करके देख लीजिए। लिखिए when input B is at logic 0, when input B is at logic 0, transistor T2, transistor T2 is cut off. Therefore, the input to transistor T3, input to transistor T3, क्या होगा T3 पर इनपुट? T2 आपने जीरो रखा है, A क्या है वो आईडी है, A B बार हुआ T3 पर जो इनपुट हुआ अभी जीरो रखा आपने, तो ये एक कार्य में क्या है जो भी आपने ए जो है वो ए है 01 जो भी लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगा तो T3 पर इनपुट ए जी का। दूसरा पॉइंट डिफरेंशियल की चीज आगे क्या ए बी, हाँ ए बी बार लिखिए इनपुट टू ट्रांजिस्टर T3 इज ए बी बार, बी पर केवल बार लगाया। दूसरा लिखिए इफ हाउएवर इनपुट बी इज एट लॉजिक 1, इनपुट बी इज एट लॉजिक 1 देन T2 will be go in saturation T2 यहाँ पर saturate कर जाएगा T2 will go in saturation and T3 will cut off T3 will cut off hence input at T3 is A bar B, T3 पर A हमेशा कटा रहेगा, A bar B, B को आप अगला पॉइंट लिखिए। In a similar manner ट्रांजिस्टर T1 कट ऑफ, T1 कट ऑफ, दस द इनपुट टू T4 इनपुट टू T4 क्या होगा इनपुट ए इक्वल 1
then D1 is such a way. T1 is such a way, and the input to T4 equal 0 irrespective of B. Irrespective of B, that is the input to B4 is a B bar. Next one. The transistor T3 and T4, the transistors T3 and T4 represent a NOR gate operation. Represent a NOR gate operation. So output equal A B bar plus A bar B 4 bar. T3 और T4 का जो आउटपुट आएगा वो NOR गेट का आएगा. अगले पॉइंट में लिखिए द ट्रांजिस्टर T5. ट्रांजिस्टर T5 इन्वर्ट द NOR आउटपुट. इन्वर्ट द NOR आउटपुट प्रोड्यूसिंग an OR gate, producing an OR gate. Line length में भी लिखेगा. Thus the output of T5 is ये जो आपका NOR ऑपरेशन यहाँ पर आउटपुट मिला था, इसको अब ये इन्वर्ट करेगा, और इन्वर्ट करेगा तो क्या मिलेगा? A B bar plus A bar B. इसका बार था इन्वर्ट करेगा तो कितना इक्वल किया आपका आ जाएगा A B bar plus A bar plus A bar B. ये हम रेस्टी को कर रहे हैं. क्लास में मैं आया हूँ तो नहीं जरूरत है तो आरटीए में ही कर समान किराना जो भी प्रॉब्लम हो बता दें. न्यूमेरिकल सब खत्म हो जाएगा उसके बाद तीनों पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल पर परेशान मत होइएगा. अनुसार देखते रहिए, कुछ न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको करना पड़ेगा. डेटा चेंज करके देते हैं तो वो मैं बार बार नहीं करूँगा. जितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं उतने टाइप के मैं करवा दूँगा. डायोड ट्रांजिस्टर वाली
इनपुट आप करते हैं लाइन में दो, चलिए हम तीन इनपुट पर आधारित करेंगे। देखिए द सर्किट डायग्राम ऑफ ए थ्री इनपुट DTL NAND गेट इज शोन बिलो।
ये देखिए हाई कर दीजिए, ये दोनों रिवर्स बायस हो गए। लेकिन यहाँ पर 0.2 वोल्ट है तो अब इसके फॉरवर्ड बायस होने की संभावना ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल हो जाए कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाए। तो 0.2 वोल्ट ये यहाँ पर लगा है और इसका कटिंग वोल्टेज कितना है 0.65। तो 0.65 प्लस 0.2 0.95। ये इतना तो हुआ इसके कटिंग को ओवरटेक करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस हो ही जाए तब उस कंडीशन में इस वोल्टेज को आप कह देते हैं कि ये 0.75 वोल्ट रखा जाए, इंश्योर कर सके कि डायोड डी ये फॉरवर्ड है। तो इस कंडीशन में अब आपको वोल्टेज कितना चाहिए 0.95 वोल्ट। यहाँ पर लो पोटेंशियल था और लो पोटेंशियल के केस में जो आउटपुट मिलता है नैंड ऑपरेशन के थ्रू, अगर कोई भी इनपुट आपका जीरो है तो नैंड ऑपरेशन में आउटपुट वन मिलेगा, यही होता है ना, क्योंकि एंड में जीरो मिलेगा आप उसका नॉट करेंगे तो वन आना है। मतलब कि अगर ये इनपुट आपने जीरो लगाया है तो आउटपुट वन मिलना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर एक डायोड है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, केवल एक डायोड होगा तो उसका कटिंग वोल्टेज कितना होगा 0.65 वोल्ट और यहाँ पर कितना है 0.9। ये फॉरवर्ड हुआ और ये ट्रांजिस्टर का जो बेस है इस पर करंट कुछ ना कुछ पहुँचेगी, और अगर नॉइस मार्जिन का इफेक्ट आता है तो उस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेट कर सकता है, और जैसे ही सैचुरेट करेगा आउटपुट जीरो हो जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर दो डायोड लगाते हैं और जब दो डायोड आपने सीरीज में कर दिया तो इसका कटिंग वोल्टेज 0.65, इसका कटिंग वोल्टेज 0.65, मतलब 1.35 वोल्ट, यही आएगा ना, 1.3 वोल्ट मिनिमम चाहिए। मतलब कि अब इसके जीरो होने पर ये आपका कभी भी फॉरवर्ड बायस नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिंगल डायोड नहीं है, कम से कम दो जरूर यूज होगा। हाँ, दो से ज्यादा तीन कर सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं कर सकते, ठीक है। नैंड ऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए डायोड D1 और D2 जो भी संख्या में निश्चित हो उससे कम नहीं, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन पर पूछते हैं कि यहाँ पर पॉइंट पी पर पोटेंशियल की बात की जाए कि ट्रांजिस्टर टी सैचुरेट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि सैचुरेट करना, तो जिस समय सैचुरेट करेगा उस समय यहाँ पर कितने डायोड लगेंगे, यहाँ पर तीन डायोड D1, D2 and PN जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर टी बिहेव एज आल्सो ए डायोड, और इसको क्या कहते हैं, डायोड DPE। यहाँ पर जो इसका रिप्रेजेंटेशन है इसकी जो बेस और इमिटर जंक्शन है ये मिलकर एक डायोड का फॉर्मेशन करेगी और इस डायोड को कह देते हैं यहाँ पर DPE, मतलब कि बेस इमिटर डायोड ऑफ ट्रांजिस्टर टी। ये तीन डायोड हुए सीरीज और तीनों के फॉरवर्ड बायस वेल फॉरवर्ड बायस होने के लिए 0.75 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक के क्रॉस चाहिए और सीरीज में है, इसका मतलब कि जो टोटल पोटेंशियल है वो आपका कितना 2.25 कितना चाहिए, ठीक है। और अगर रिवर्स बायस में है, कट ऑफ मोड में है, तब उस कंडीशन में पॉइंट पी का पोटेंशियल इससे कम होना चाहिए, दोनों में अंतर है। अगर आप ये इंश्योर करें कि ये निश्चित रूप से रिवर्स बायस में है, कट ऑफ है, तब उस कंडीशन में 0.65 कितना होगा 1.95 वोल्ट से अगर पोटेंशियल पॉइंट पी पर कम है तब वो आपका कट ऑफ होगा, ये इनसे उतरना होगा। 2.25 से ज्यादा
सेचुरेशन 1.95 से कम कट ऑफ, ये देखेंगे यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि कट ऑफ और सेचुरेशन की सिचुएशन देखना है, स्विच को ऑन और ऑफ करना है, और ये ट्रांजिस्टर टी है जो स्विच यहाँ पर दिखा है, ठीक है, बना लिए। टी नॉट को हमने यहाँ पर सिंपली एज ए ड्राइवर के लिए यूज कर लिया है, कि कोई ड्राइवर है जो कि इस डीटीएल 9 गेट को ऑपरेट करता है। नहीं नहीं लगता है, आप डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं इनपुट, आप हटा भी सकते हैं यहाँ पर भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आप उसको हटा दें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बनाए हैं तो जैसे सिंपली लैंग्वेज में हम यूज करेंगे कि मैन ड्राइवर गेट टी नॉट इज एट लॉजिक जीरो, इसका क्या मतलब है, पिछले टर्म पर हमने बताया कि हम ड्राइवर गेट टी नॉट इज एट लॉजिक जीरो, आउटपुट जीरो, हमने पिछले टर्म पर कहा था कि जब इनपुट आउटपुट का नाम ले कि इनपुट लो है आउटपुट लो है तब तो मेंशन है, लेकिन जब कभी ये कहा जाए कि ये गेट जीरो लॉजिक पर है तो इसका मतलब उसके आउटपुट की बात नहीं है, तब आप इनपुट पर नहीं जाएंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, हम इनपुट को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, अगर गेट आपका लॉजिक जीरो पर है इसका मतलब कि उसका परफॉर्मेंस जीरो, आउटपुट जीरो, ठीक है, और अगर ड्राइवर गेट लॉजिक जीरो पर है तो जो ड्रिगर गेट पर डीटीएल 9 गेट लगा है उसका इनपुट ए लॉजिक लेवल जीरो पर होगा, मतलब कि वी आई 0.2 वोल्ट पर, इस सिचुएशन में यहां पर इनपुट वी बी और वी सी डायोड डी बी और डी सी के इनपुट को हम हाई लेंगे, जीरो जीरो का केस नहीं है यहां पर डिस्कस करेंगे, एक को जीरो लेंगे बाकी दो को हाई लेवल पर लेंगे, क्योंकि नैंड गेट की डिफिनीशन ये कहती है कि इफ एनी इनपुट इज जीरो देन द आउटपुट विल बी मैक्सिमम, इफ ऑल इनपुट्स आर एट लॉजिक 1 देन आउटपुट विल बी जीरो, ये डिफिनीशन याद रखिएगा। द बेसिक ऑपरेशन ऑफ DTL gate, the basic operation of DTL gate is NAND operation. DTL gate is NAND operation. फुल स्टार के बाद लिखिएगा। The truth table for three input NAND gate three input NAND gate is given below.
Gracias.